फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 7 जो है वो है आर्टिकल 246 का पार्ट। आर्टिकल 246 में बोला गया है कि कुछ सब्जेक्ट मैटर रहेगी जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाएगी और कुछ सब्जेक्ट मैटर होगी उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया तब जो भी उसके क्रिएटर थे उन्होंने इंडिया में जो लॉ इम्प्लीमेंट होने थे, इंडिया में जो लॉ एनेक्ट होने थे, तो वो एनेक्ट करने से पहले वो सब्जेक्ट मैटर को स्टेट और सेंटर में क्लासिफाई कर दिया। कुछ सब्जेक्ट मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगा और कुछ सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। ऐसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्योंकि हमारे वहाँ जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, तो स्टेट और सेंटर दोनों को लॉ मेकिंग के लिए पावर दी गई है। देखते हैं हम ये वाली वीडियो में, लेकिन देखने से पहले कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो हमें समझने पड़ेंगे। वो क्या है आप देख सकते हो, आर्टिकल 265 में बोला गया कि कोई भी टैक्स होगी वो टैक्स तभी लेवी और कलेक्ट की जाएगी जब अथॉरिटी ऑफ लॉ होगी। मीन्स एक अथॉरिटी ऑफ लॉ चाहिए तभी टैक्स को लेवी किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल 245 में बोला गया कि पार्लियामेंट जो होगी वो पार्लियामेंट इंडिया और इंडिया के कोई पार्ट के लिए कोई लॉ बनाएगी, और स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा होगी वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए या स्टेट के कोई पार्ट के लिए लॉ बनाएगी। नाउ ये पार्लियामेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में वो ये डिसाइड तो हो गया कि कुछ चीज़ें वो दोनों समझ लीजिए पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के कोई पार्ट के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट या स्टेट के कोई पार्ट के लिए लॉ बनाएगी। लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर कौन से होगी जिस पे ये लोग लॉ बनाएंगे, तो वो सब्जेक्ट मैटर है वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि कुछ सब्जेक्ट होगे, कुछ सब्जेक्ट मैटर होगी उसमें पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट मैटर होगी उसमें स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगी। तो वो मेंशन किया है आर्टिकल 246 में, सब्जेक्ट मैटर ऑन विद द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय लेवी ऑफ टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई, लेकिन कुछ सब्जेक्ट मैटर थी वो स्टेट को दी गई और कुछ सब्जेक्ट मैटर सेंटर को दी गई कि जिसके ऊपर वो लॉ बनाएंगे। नाव ये 246 आर्टिकल को समझने के लिए हमें शेड्यूल 7 को ठीक से समझना पड़ेगा। शेड्यूल 7 वो रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल 246 को। शेड्यूल 7 में हमें तीन लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों जो लिस्ट है वो तीनों में जो सब्जेक्ट मैटर होती थी उसके ऊपर वो पर्टिकुलर लिस्ट मीन्स यूनियन लिस्ट में होगा तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में होगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट में होगा तो दोनों साथ मिलके वो सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाएंगे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे यूनियन लिस्ट, बाद में स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट की बात हम नहीं करने वाले क्योंकि ये जो वीडियो है इट इज़ रिगार्डिंग टैक्सेशन, सो टैक्सेशन से रिगार्डिंग ही जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। ओके, यूनियन लिस्ट में एंट्री है एंट्री नंबर 97। एंट्री नंबर 97 में बोला गया कि कोई भी नई लॉ होगी इंडिया में, अगर कोई भी नई लॉ होगी तो वो लॉ पे जो पावर होगा लॉ बनाने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट करेगा, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगी। अच्छा, तो ये नया लॉ हम समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेंगे हम, क्योंकि इट इज़ रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ये पूरी वीडियो बन रही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि एंट्री नंबर 97 जो है वो सर्विस टैक्स को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स सर्विस टैक्स जो फाइनेंस एक्ट से लेवी हुआ था, फाइनेंस एक्ट से इम्प्लीमेंट हुआ था, वो जो सर्विस टैक्स है वो एंट्री नंबर 97 से प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि वो नया लॉ था इंडिया में, और उसमें बोला गया कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगी। एंट्री नंबर 82 जो थी उसे भी बोला गया था कि कोई भी इनकम होगी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, मीन्स एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई भी इनकम होती है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर वेस्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स लेवी और
कलेक्ट करने का। तो ये एंट्री नंबर 82 को मैं बोलूँगा रिप्रेजेंट करता है इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 वो रिप्रेजेंट करता है एंट्री नंबर 82 को, क्योंकि उसमें जो भी कोई भी इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा, तो वहीं से डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स 82 को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकम टैक्स प्रोड्यूस हुआ अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 82। 83 एंट्री नंबर 83 यूनियन लिस्ट में बोला गया कि कोई भी कस्टम ड्यूटी वगैरह मीन्स इंपोर्ट होगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का जो लेवी की जाएगी और कलेक्ट की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेवी करेगी। वैसे भी आप समझ सकते हो कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर होगी उसके ऊपर पावर किन को रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, वैसे ही एंट्री नंबर 84 में बोला गया, कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी जो भी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगी, इंडिया में प्रोड्यूस होगी, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाएगा। और वो एक्साइज ड्यूटी एक चीज़ पे ही वो नहीं लगा पाएगा, और वो है अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या आप बोल सकते हो जो हम दारू बोलते हैं, वाइन बोलते हैं, बियर बोलते हैं, वो जो भी उसके जो उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट होते हैं वो सारे। तो अदर नारकोटिक्स, ओपियम वगैरह जो भी होगा, चरस गांजा, वो वाली चीज़ों को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट होगी वो इंडिया में प्रोड्यूस होगी, मैन्युफैक्चर्ड होती, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाएगा ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट। ओके, और एंट्री नंबर 92 में बोला गया कि कोई भी चीज़ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेची जाएगी, नाउ इट इज़ अबाउट सेलिंग, बेची जाएगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर बेची जाएगी तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगी। और आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है कि ये जो CST था वो CST की जो रेवेन्यू होगी वो रेवेन्यू जनरेट करेगा स्टेट, इसकी लेवी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट जरूर करेगा, लेकिन CST की जो भी रेवेन्यू होगी वो जो भी सेलिंग स्टेट होगा मीन बेचने वाला जो स्टेट होगा उसकी रेवेन्यू इसमें जनरेट होगी, उसकी वो इनकम कंसिडर की जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू एंट्री नंबर 51 ऑफ स्टेट लिस्ट। अब हम स्टेट लिस्ट में बात करेंगे। स्टेट लिस्ट में जो भी पावर स्टेट को दी गई है टैक्स को लेवी करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, उसके बारे में बात की जाएगी। तो एंट्री नंबर 51 में बोला गया कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाएगा। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इट वॉज रिगार्डिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो हमने एंट्री नंबर 84 में डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैन्युफैक्चर होगी इंडिया में, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, लेकिन अल्कोहल पे नहीं लगा पाएगी। तो ये जो चीज़ रह गई थी अल्कोहलिक लीकर और विस्की, वाइन वगैरह, उसके जो उसके जैसे ही कुछ रिजेंबल करती कुछ प्रोडक्ट है, तो वो सारी चीज़ पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा पाएगी। तो ये लेवी भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कलेक्ट भी, तो ये वाली जो रेवेन्यू होगी वो पूरी स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। अच्छा, एंट्री नंबर 54 में बोला गया है कि कोई भी चीज़ इंडिया में बेची जाएगी तो वो जो स्टेट में बेची जाएगी वो स्टेट उसके ऊपर टैक्स लेवी करेगा और कलेक्ट करेगा, मींस भले ही वो प्रोड्यूस कहीं पे हुई लेकिन जो स्टेट में बेची जाएगी वहाँ पे वो स्टेट अपनी सेल्स टैक्स लगाएगी और वो भी रेवेन्यू स्टेट की अपनी रहेगी। एंट्री नंबर 46 जो एंट्री नंबर 82 को थोड़ा रिजेंबल करता है, 82 में हमने बोला था कि एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई भी इनकम होगी तो वो इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रह गया था एग्रीकल्चर इनकम उसके ऊपर टैक्स लगाने के वो इनकम पे टैक्स लगाने का जो पावर है वो दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो एंट्री नंबर 82 और 46 वो दोनों डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अच्छा, एंट्री नंबर 62 में बाकी जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वगैरह, एंटरटेनमेंट टैक्स, अम्यूजमेंट टैक्स, और जो पंचायत, म्यूनसिपालिटी, रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा जो भी टैक्स लगाई जाती है वो सारी टैक्स को डिस्क्राइब किया गया है एंट्री नंबर 62 में। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंट्री नंबर 97 सर्विस टैक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, एंट्री नंबर 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है,
एंट्री नंबर 92A वो सेंट्रल सेल्स टैक्स को रिप्रेजेंट करता है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब माल को बेचा जाएगा तब लगता था। एंट्री नंबर 51 वो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और उसके रिजेंबल जो प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चर होने पर उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। एंट्री नंबर 54 सेल्स टैक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसे ही लेटर ऑन उसको बोला गया वैट। ओके, तो सेल्स टैक्स कुछ नहीं लेकिन वैट ही था। एंट्री नंबर 46 एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको रिप्रेजेंट किया गया। और एंट्री नंबर 62 में बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह है जो म्यूनसिपालिटी या पंचायत वगैरह लगाती है वो सब टैक्स का इसमें डिस्कस किया गया। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि जो बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थी सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और उसकी रेवेन्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। सर्विस टैक्स की पूरी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की पूरी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वैसे ही कस्टम ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है और इनकम टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। दूसरी तरफ हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी सेल्स टैक्स होती थी उसकी पूरी रेवेन्यू पर्टिकुलर स्टेट की रहेगी। और अगर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है और उसके रिजेंबल प्रोडक्ट कुछ है जो हमने देखी तो वो वाली पूरी रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी की रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। तो ये वाली वीडियो में हमने शेड्यूल 7 का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। इसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा, इसी के लिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है जिसमें डिस्क्राइब किया है कि ये कैसे जीएसटी को रिलेट करता है। जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए आपको शेड्यूल 7 को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगा कि ये जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबस्यूम हुए थे तो सबस्यूम कैसे हुए थे और उसकी क्या इम्पैक्ट रही, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो उसकी क्या इम्पैक्ट रही। कई सारी जो प्रोडक्ट थी वो जीएसटी में आज भी इंक्लूड नहीं है, तो वो सारी भी मैं वो वाली वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा। आज के लिए यही, थैंक यू वेरी मच।